देखिए, एक शब्द है अभ्यर्थी। तो स्टूडियो में अभ्यर्थी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द का यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है अभ्यर्थी का। देखिए, अभ्यर्थी मतलब होता है अभ्यर्थना करने वाला, निवेदन करने वाला, उम्मीदवार, पद इच्छुक व्यक्ति, मतलब पद अभिलाषी, आकांक्षिणी या आकांक्षी, लालसा करने वाला या लालसा करने वाली, मतलब अभ्यर्थी। अभ्यर्थी को इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिडेट, एप्लीकेंट, एस्पायरेंट, कंपटीटर, कंटेंडर, कंटेस्टेंट, होपफुल, पेटिशनर, जॉब एप्लीकेंट, एग्जामिनी एंड ईटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं अभ्यर्थी के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में, तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग कि पिछली बार लिखित परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें 60,000 सफल हुए। मतलब इंग्लिश में, लास्ट टाइम मोर देन 1 लाख कैंडिडेट्स अपियर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 60,000 वेर सक्सेसफुल। दूसरा एग्जाम्पल है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 120 मिनट का समय मिलता है। मतलब इंग्लिश में, ईच कैंडिडेट गेट्स 120 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो कैंडिडेट्स का मतलब अभ्यर्थी। ठीक है, तो मैंने आपने अभ्यर्थी शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।